अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें एजुकेशन के गेस्ट प्रोवाइड करने लगी हूँ। इन गेस्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों के कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट मुख्तसर सवाल हैं जो कि आप लोगों ने अपने पेपर के लिए प्रिपेयर करने हैं, और साथ ही साथ ऐसे कौन से तफसील से लिखने वाले सवाल हैं जो कि आप लोगों को पेपर में पूछे जा सकते हैं। ये जो गेस्ट मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ ये पंजाब बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हैं, चाहे वो ग्रुप वन से बिलोंग करते हैं या फिर वो ग्रुप टू से बिलोंग करते हैं। आप लोग सबसे पहले आ जाएं अपने मुख्तसर सवालात की तरफ। टोटल मैंने जो आप लोगों को मुख्तसर सवालात प्रोवाइड किए हैं वो 26 हैं। इनके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप इन क्वेश्चंस को बुक के ऊपर मार्क करते जाएं या फिर अगर आप लोगों ने इन्हें नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करते जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दीन इस्लाम के आगाज़ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को कैसे तालीम देते थे। सेकेंड क्वेश्चन, जामे अज़हर से क्या मुराद है। थर्ड क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए चार मुमताज़ मुसलमान मुफक्किरीन के नाम लिखें। फोर्थ क्वेश्चन है, इमाम गज़ाली के नज़दीक फ़र्ज़ ऐन से क्या मुराद है। फाइव क्वेश्चन है, मुस्लिम दौर में बरसगीर में राइज को इसे चार तरीका हाय तदरीज के नाम लिखें। सिक्स क्वेश्चन, दरस निज़ाम के दो खसूसियात बयान करें। सेवन क्वेश्चन है, बरतानवी निज़ाम तालीम के चार मकासद कौन से थे। एट क्वेश्चन, तहरीक अलीगढ़ के दो मकासद बयान करें। नाइन शॉर्ट क्वेश्चन है, नदवी तहरीक कॉप्स मंजर पर नोट लिखें। 10 क्वेश्चन, नजरिया पाकिस्तान के तहत तालीम के दो बुनियादी मकासद बयान करें। 11 क्वेश्चन, 1970 की तालीमी पॉलिसी में इब्तदाई तालीम के मुतालिक सिफारशात। 12 क्वेश्चन है, ख्वानदगी में इजाफे के लिए दो तजावीज़ लिखें। 13 क्वेश्चन, तर्क मदरसा की कोई सी दो वजूहात बयान करें। 14 क्वेश्चन है, वुड्स डिस्पैच की दो सिफारशात लिखें। 15 क्वेश्चन, मुतालबा पाकिस्तान के दो वजूहात बयान करें। 16 क्वेश्चन है, आप लोगों का मियारे तालीम पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। 17 क्वेश्चन, नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ बयान करें। 18 क्वेश्चन है, रोज़गार के तरीकों के दो बुनियादी इकसाम लिखें। 19 क्वेश्चन, माशरती ज़िंदगी की तश्कील से क्या मुराद है। 20 क्वेश्चन है, इब्न खलदून ने अलूम को किन दो इकसाम में तकसीम किया है। 21 क्वेश्चन, इब्न सीना की किताब अलशिफा में कौन से मज़ामीन पर बहस की गई है। 23 क्वेश्चन, 40 ग्रांट के मुतालिक आप क्या जानते हैं। 24 क्वेश्चन है, बिटिंग रेजोल्यूशन के दो अहम नकात लिखें। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का मुख्तसर सवालात के लिए 25, तहरीके देवबंद के दो अहम मुहर्रकात लिखें। एंड लास्ट 26 क्वेश्चन, दो कौमी नज़रिया से क्या मुराद है। इस तरह आप लोगों के एजुकेशन के ये मुख्तसर सवालात हैं जो कि मैंने आप लोगों को 26 बताए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इन्हें अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट अब आप लोगों के तफसील से लिखने वाले जो सवाल हैं वो टोटल आप लोगों को 11 प्रोवाइड किए गए हैं। जो जो मैं आप लोगों को स्टेटमेंट बताती जा रही हूँ इनके जो टॉपिक्स हैं आप लोग इन्हें बुक के ऊपर मार्क कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन, इमाम गज़ाली की तालीमी तसव्वुरात बयान करें। सेकेंड क्वेश्चन है, तालीमी इदारों में नस्म व ज़ब्त की कमी की वजूहात बयान करें। थर्ड क्वेश्चन, नदवी तहरीक की खसूसियात तहरीर करें। फोर्थ क्वेश्चन है, तालीमी पॉलिसी 1979 में तालीम के क्या मकासद बयान किए गए हैं। फाइव क्वेश्चन, पाकिस्तान के मुख्तलिफ तालीमी पॉलिसियों में आला तालीम के लिए की गई सिफारशात बयान करें। सिक्स क्वेश्चन है, तालीमी नस्मों में कमी की वजूहात बयान करें। सेवन, सूबाई महकमा तालीम की जिम्मेदारियाँ फ़राइज़ व इख्तियारात तहरीर करें। एट क्वेश्चन है, इलामा ज़रनोजी के अहम तालीमी तसव्वुरात बयान करें। नाइन क्वेश्चन, वुड्स डिस्पैच हिंदुस्तान में तालीम के मैग्ना कार्टा की हैसियत रखती है बयान करें। टेन क्वेश्चन है, स्टाफ डेवलपमेंट क्या है इसकी अहमियत बयान करें। एंड लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप लोगों का 11 क्वेश्चन है, तालीमी पॉलिसी 1998 to 2010 में मुकर्रा करदा मकासद तालीम बयान करें। इस तरह आप लोगों के ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। आई होप आप लोगों ने इन्हें नोट डाउन कर लिया होगा और इन्हें आप लोगों ने लास्ट में प्रिपेयर करना है। इसके अलावा अगर आप लोग अपने मुख्तसर सवाल प्रिपेयर करना चाहते हैं तो जो आप लोगों की बुक के ऊपर मेंशन होते हैं उन्हें भी लास्ट में कर लिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आप लोगों को इसके जल्द ही MCQs भी प्रोवाइड कर दूँगी ताकि आप लोगों के पेपर की तैयारी कम्प्लीट हो सके। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर।